देखिए ये शेर यहाँ पे सोया हुआ है। मस्त मजे से सो रखा है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मनसब व्लॉग में। तो आज हम आए हैं लुधियाना जू में, तो इसको टाइगर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम घूमने आए थे, मैं और साथ में मनीष भाई है। मनीष भाई भी आज व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका भी वीडियो आएगा टाइगर सफारी के ऊपर, तो आपने वो भी देखना है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ की टिकट प्राइस क्या है। हमारे पीछे वन कितना केंद्र तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग रेट साइकिल वालों के 5 रुपये, व्हीकल वालों के लिए 10 रुपये, और जैसे जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके लिए 20-30 रुपये है। हमारे यहाँ पर जो है पीछे यहाँ पर हमें मिलती है टिकट, 20 रुपये टिकट है यहाँ की, और 20 रुपये व्हीकल की टिकट होती है। यहाँ से जाया जाएगा, तो चलिए टिकट वगैरह देखते हैं। ओके तो टिकट लेते हैं। तो भैया टिकट काट रहे हैं। भैया कितने रुपए है टिकट? 30 रुपए। और एक्टिवा के 10 रुपए। तो दोस्तों 30, 30 और 10 रुपए एक्टिवा के, फिर यहाँ से जाएंगे। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, पर पर्सन 30 रुपीज़, तो 60 रुपए हुए हैं। 10 रुपए एक्टिवा के। आगे मनीष है, तो अब हम चलते हैं अंदर को। तो हे गाइस हम अंदर आ चुके हैं, हर तरफ आप देख सकते हैं कितने पेड़ हैं। मनीष भाई की व्लॉगिंग जारी है। इस साइड को एक लोमड़ी रहती है, तो हम पहले वहां को जाएंगे, लोमड़ी देखेंगे। जो जैकल गिद्दड़, इसकी उम्र होती है 14 से 16 साल, ठीक है। और ये कितने दिन तक होता है पैदा? अच्छा 60 से 63 दिन में पैदा हो जाता है। और 3 किलो इसे माँ मीट अच्छी चाहिए इसको 3 किलो। लेकिन हमें जैकल कहीं दिख नहीं रहा है, खाली है, सुनसान पड़ा है। अबे है क्या? है जो चिड़ियाघर का पिंजरा, इसमें जैकल रखी हुई है, लेकिन हमें जैकल यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। यहाँ अंदर हो सकती है, तो पता नहीं। अगला जो चिड़ियाघर का पिंजरा है वो है शुतुरमुर्ग, जिसे हम ऑस्ट्रेच भी कहते हैं शायद। तो दूसरा शुतुरमुर्ग है, हम अब आपको वो दिखाते हैं कि शुतुरमुर्ग भी है कि नहीं है। तो गाइस यार हम यहाँ ना बहुत बार आ चुके हैं, पहले से काफ़ी कुछ बदल चुका है यहाँ। पहले ये जो रास्ता था ये भी इतना सही नहीं था, पेड़ भी अब काफ़ी लगा दिए इन्होंने, ठीक है। हर जगह आपको पेड़ पेड़ दिख जाएंगे यहाँ इस चिड़ियाघर में, जानवरों के अलावा, ठीक है। तो वो शुतुरमुर्ग है, तो ये दूसरा भी निकला। अभी बाकी के और भी होंगे, अंदर होंगे, तो हम इनके बारे में आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पे साइड में लिखा है। अच्छा तो गाइस जैसे यहाँ पे, अच्छा ईमू बर्ड, इसको ईमू बर्ड कहते हैं। तो इसकी उम्र कितनी होती है गाइस? इसकी उम्र होती है 19 से 25 साल होती है इसकी उम्र, ठीक है। और इनका वेट होता है 30 से 45 किलो, और ये 5 से 15 अंडे दे सकते हैं, ठीक है, 8 से 9 हफ्ते में। और ये खाते क्या क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड बॉयल्ड एग। मुझे लगता नहीं है कि इन्हें बॉयल्ड एग खिलाते होंगे, लेकिन चलो लिखा है। तो ईमू बर्ड, ईमू बर्ड अंदर छुपे हुए हैं, ठंड है ना। तो अब यहाँ पे भी कुछ बन रहा है मुझे लगता है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, जहाँ पे बेर रखा है, मतलब भालू। मनीष, मनीष जारी है, भाई की वीडियो भी देखना आप। तो गाइस यार यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी बहुत अच्छा है ना। तो हम आपको दिखाते हैं आगे, जो हम अगला देखने जा रहे हैं वो है भालू। अगर हमें भालू दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो वो पिंजरे के अंदर सो रहा होगा, और क्या कर सकता है।
तो भालू का इस हाथ में है, हम आपको रुकिए दिखाते हैं। तो गाइज ये ना भालू की शेड है, जहाँ मतलब जिसके अंदर भालू होता है, इसके अंदर ही होता है भालू। अभी फ़िलहाल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। गाइज ये देखिए मोर, मोर भी है यहाँ पे, मोर खुले घूमते हैं यहाँ पे बिना किसी डर के। तो हम भालू देखेंगे, अब भालू है कि नहीं है। जो ये है ना गाइज, यहाँ पे होता है भालू। ये देखिए जो भी खिड़की है ना, उसको इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि भालू को ठंड ना लगे। यहाँ पे भालू है कि नहीं है? तो गाइज उससे पहले आप ये देख लीजिए, हिमालयन बियर काड़ा रिच। इसकी लाइफ होती है 20 से 25 साल इसकी लाइफ होती है। और जो मेल भालू होता है वो 100 से 200 किलो तक होता है, और जो फीमेल होती है वो होती है 60 से 90, ठीक है। 200 से 400 दिन का इसका मतलब इतने दिनों तक ये पैदा हो सकते हैं। फ्रूट नट्स सीड्स हनी हर्ब्स लीव्स इंसेक्ट्स एंड फिश खाते हैं। ये भालू ओ दोस्तों, हमें काला भालू तो दिखा नहीं, लेकिन ये कलमुंडा जरूर दिख गया है। भालू नहीं दिखा सर, वीडियो बनाना। कलमुंडा पिछली बार हमने हमने इन्हें पूछा था कि भालू कहाँ है, ठीक है। ये हमें कहते हैं कि भालू चंडीगढ़ गया है, वो बीमार है। लेकिन इस बार इन्हें पूछने पे पता नहीं क्या बताएंगे कि कहाँ गया है। फिलहाल हम, अबे बहुत बदबू आ रही है भाई यहाँ। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने। सेह पोर्काइन, खतरनाक नाम है दोस्तों, अंग्रेजी नाम है। तो गाइस इसका नाम है पोर्कुपाइन से। इसकी लाइफ होती है 10 से 15 साल। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका वेट 5 से 8 किलो होता है, फीमेल का 4 से 6। गर्भ समय इसका होता है 16 से 31 हफ्ते का, ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल और हर्ब्स जड़ी बूटियां खाता है। तो फिलहाल अंदर देख रहे हैं, तो अंदर तो पता नहीं ये जिस गुफा में छुपा हुआ है, बाकी हमें तो दिख नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ बदबू से नाक फटा जा रहा है। आप जब भी आएँ लुधियाना जू तो नाक बंद करके आएँ, मास्क पहन के आएँ, ठीक है। बहुत ख़तरनाक है, लोग आए हुए हैं। ये यहाँ पे बाथरूम है, मनीष और आना चिड़िया जू। तो गाइस से तो हमें दिखा नहीं लगे, अच्छी यार बदबू बहुत है। लेकिन ये जो अगला है, ये डक्स बत्तख। इन्हें बत्तखें बहुत मिल गई हैं क्योंकि अंडे ज्यादा देती हैं, ठीक है। और इनकी ये छी उम्र कुछ नहीं लिखी हुई, बहुत बदबू है यार। चल आगे चल, ये देख लिया आप बतख देख के संतुष्ट हो जाइए। देख रहे हो कैसे नहा रहे हैं, छप 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 छप, ठीक है। तो गाइज इसके ना बिल्कुल ही राइट हैंड में जहाँ पे ये बस रखी हुई है, यहाँ से 50 रुपये की आपको टिकट लेनी पड़ती है। अब शायद महंगी हो गई हो, फिर ये बस में हमें बिठा के अंदर लेके जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे जाला, इसके अंदर ना एक शेर है, तो वहाँ लेके जाते हैं ये हमें, वहाँ शेर दिखाते हैं, 50 रुपये टिकट कटवाते हैं पहले। तो देखते हैं वहाँ जाना है कि नहीं। यहाँ रखा होता है इन्होंने हिरन, और वो भी है कि नहीं है पता नहीं। ये जू खाली क्यों हो रखा है इस बार। ये अगला पिंजरा है, ये है ब्लैक बक का। यहाँ पे हमारा काला भालू नाच रहा है। मनी फिर से तो इसके अंदर रखे हैं ब्लैक बक, वहाँ दो बैठे हैं साइड में, आपको अभी जूम करके दिखाते हैं। तो इसकी पहले हम आपको उम्र वगैरह पढ़ा देते हैं कितनी है। देखिए गाइस ये है ब्लैक बक, अंदर तो आपको दिखेगा या नहीं, लेकिन ऐसा होता है ये, ठीक है। 12 से 16 साल तक की उम्र होती है इसकी, 34 से 45 किलो तक ये इसकी, ठीक है दोस्तों, वजन होता है इसका। खाता क्या है ये, हरा चारा खाता है, 15 किलो डेली का, ठीक है। और 5-6 महीने का इसका गर्भकाल होता है, मतलब 5-6 महीने में बच्चा हो जाता है इसका। भालू काला, भालू काला, दिखाते हैं आपको कहाँ पे। हमारा काला भालू बहुत परेशान हो रखा है,
तो यार ये अबे ये बैठे हैं गाइस, आप देख सकते हैं, ये देखिए तीन बैठे हुए हैं, तीन, एक दो तीन, गिनती के तीन बैठे हैं, वो भी बहुत दूर बैठे हैं, शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं, ठंड लग रही है इन्हें ज़्यादा ही। चल मनी आगे चल यार, कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चल, आगे कुछ रखा होगा, आगे चिड़िया है, चिड़िया। हाँ काफ़ी फैमिलीज वगैरह आ रखी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कपल्स भी आए हैं यहाँ पे। ओबे ओबे उधर दिख गया चल आगे चल। थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर ना बार्किंग डीर है, हम आपको दिखाते हैं, रुक। ये देखिए गाइस, बार्किंग डीर लाइफ स्पैन 20 से 30 साल होते हैं, ठीक है, मेल 22 से 28 किलो, फीमेल 22 से 25 किलो, ठीक है। खाते क्या हैं ये, 15 केजी चारा खाते हैं डेली का। चल मनी थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नो पार्किंग एरिया है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ से जाके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं बार्किंग डीर, ये बिल्कुल गाय की तरह लगते हैं वे। ओ वहाँ पे भी हैं तीन, वहाँ पे, और वहाँ का दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, देखिए दो ये हैं बार्किंग डीर, है ना सही, और तीन यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त मज़े से। ये देखिए यार, बिल्कुल गाय के बच्चे के जैसे लग रहे हैं यार, ये देखिए गाइस, है ना मस्त, बिल्कुल गाय के बच्चे लग रहे हैं। ओ मनीष जैसे गाय के बच्चे होते हैं सेम टू सेम वैसे हैं यार, देख कैसे देख रहे हैं। गाइस ये अगला है सांबर डीर, ठीक है, सांबर हिरन लाइफ इसकी होती है 16 से 20 साल, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, ठीक है, 100 से 300 किलो तक के होते हैं, बहुत दूर बैठे हैं गाइस, ये देखिए यार, ये देख सकते हैं आप कितनी दूर बैठे हैं जाके। एक ये है, एक ये बैठे हैं वहाँ, नस्ती है यहाँ पर बैठा है, ये देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, इतनी दूर बैठे, इतना बड़ा इन्होंने बनाया रखे, इसने सिर्फ एक दो हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे हम आपको चिड़िया दिखाते हैं, और तो कुछ है नहीं है। ए देवा गाइस ये अगले तीन चार पिंजरे हैं, ये हैं चिड़िया के, यहाँ अलग अलग प्रकार की चिड़िया हैं, दिखाते हैं आपको, वाइट डोव, चिट्टी कुग्गी, ये देखिए चिट्टी कुग्गी, चिट्टी कुग्गी, ये देखिए जिसे जिन्हें हम सफ़ेद कबूतर भी कहते हैं। ये अगला है हमारा सिल्वर फीसेंट, ये देखिए, ये देखिए पत्ता खा रही है, पत्ता खा रही है, ये देख लीजिए, डरती नहीं है बिल्कुल भाई। इसके बाद है गोल्डन फीसेंट, कहाँ है गोल्डन है, अबे है, अबे तेरी, ये देखिए कैसे छुप के बैठा है गाइस, ये गोल्डन फीजेंट है, ये देखिए कितने सुंदर है, दो ये भी हैं, है ना बढ़िया। अब है रोज रिंग्ड, जिन्हें हम तोता कहते हैं, तोते, अरे यार क्या सिंपल चीज़ें रखी हैं, तोता हर किसी ने देखा है। लास्ट पिंजरा है छोटे तोते का, ये देख,
फिर देखेंगे दिखता है या नहीं, आगे मिलते हैं आपसे। कैंटीन भी है यहाँ, चाय कॉफ़ी बर्गर सैंडविच वगैरह मिलता है। तो सर हमें दो टिकट दे दीजिए, शेर देखना हमने। सर है दो टिकट ले ली हमने, ये देखिए। अंकल जी कितनी देर के लिए लेके जाते हैं अंदर? बस 10-15 मिनट की राइड होती है। 10-15 मिनट। और मेल और फीमेल रखे हैं? हाँ, मेल फीमेल है, जो अंदर छोड़ी हुई है वो फीमेल। अच्छा ठीक है। और खाने के लिए क्या क्या रखा है आपने? हमारे पास ये बस जो ये रखा है सेम। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आ जाएगी बस। कट्टा, कट्टा, कट्टा। ये भी परिवार वेट कर रहा है, इसके बाद हम जाएंगे देखने। ओए लड़ो मत। तो गाइस जो हमसे पहले बस में गए थे उनकी बस आ चुकी है, इसके बाद अब हमारी बारी है, लेके चलते हैं आपको अंदर। तो भाई लोग अंदर घूम गए हैं, भाई बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब देख दिख गया, दिखा 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 दिख गया। अब हमारी बारी, अब हम जाएंगे। सो रहा था, ओ यार सोया हुआ शेर देखा। तो गाइस हम बैठ चुके हैं बस में, चलिए। ओ चल पड़े हैं। सो गाइस खुल चुका है हमारा गेट, ये देखिए, पता नहीं कहाँ दिखेगा शहर में मोर, मोर वगैरह रखे हुए इन्होंने यहाँ पे। सो गाइस बैठे हुए हैं यार, भाजी बैठे हैं पीछे, देखते हैं दिखता है शेर या नहीं। देखिए ये रहा शेर, यहाँ पे सोया हुआ है। मस्त मजे से सो रखा है। ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पर मस्त मजे से सोया हुआ है। 50 रुपए खर्चे थे तो चलो नुकसान नहीं हुआ, दिख गया। ये देखिए इसका इसका दूसरा पार्टनर पता नहीं क्या है। फिलहाल यहाँ मोर घूम रहे हैं, ये देखिए बैक करके ला रहा है। मनीष ओ ये 50 रुपए पूरे कामयाब हो गए। यो यो इनको समझ आ रहा भाई सबको। तो देखिए लेकिन ये सोया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, संतुष्टि हो चुकी। तो हमें दिख चुका है टाइगर, अब हम जा रहे हैं बाहर को। 50 रुपए दिए थे, हो गए वसूल हमारे। मनीष भाई आप जाके अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ टाइगर देख के और कुछ तो यहाँ पे दिखा नहीं। बतख दिखी ना, 50-80 रुपए का टोटल खर्चे होते हैं वो टाइगर देख के ही पूरे हो गए। सही है, वो तो फ्री में देख लेते होंगे। हाँ सही बात है। तो गाइस हम घूम के आ चुके हैं, मजा आ गया, शेर देख लिया, फुल इंजॉय, बुर्रा, हमारे पैसे वसूल हो गए, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। शेर दिख चुका है, और तो कोई जानवर ना भालू दिखा ना हिरन दिखे सही से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है, शेर दिख गया बहुत है। तो गाइस हम आपको बता दें कि ये जलंधर बाईपास लुधियाना में पड़ता है जू, ठीक है। आप यहाँ आइए घूमिए, इसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह हॉल है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। तो लुधियाना आइए, पंजाब आइए, इंजॉय कीजिए। तो गाइस आपने जैसा कि हमारा फुल जू का व्लॉग देखा, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तो आप अगर यहाँ विज़िट करेंगे तो ये जलंधर बाईपास के पास है चिड़ियाघर, तो आप यहाँ घूम सकते हैं। इसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह हॉल भी है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। तो फुल आप इंजॉय कीजिए।